हेलो जी, आप कल मेले में शूटिंग करने के लिए गए थे, आपने बलून फोड़े थे, राइट? जी, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम फायरिंग एकेडमी। ओके, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई है, क्योंकि कमाल की आपने फायरिंग करी। पहली जो है वो सेंटर में ऑरेंज बलून पर निशाना लगाया था आपने? हाँ, लगाया था। उसके बाद जो ऊपर से 10 का कॉइन लटक रहा था, आपने उस पर निशाना लगाया था? जी। सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से, जो मैं एक मिनट रुकिएगा, सीसीटीवी में थोड़ा सा फॉरवर्ड करो थोड़ा सा। हाँ, ये जो तीसरा वाला शॉट आपने लगाया, जो वो एक चाबी लटक रही थी, आप ही ने मारा है? चाबी वाला, मैंने। ब्लू जैकेट लाल टोपी, राइट? जी। कमाल सर, आपके मतलब आपकी फायरिंग बड़ी कमाल की है, बहुत हाथ साफ है। कहीं सीखा है क्या आपने? हाँ, बस हो जाता है, करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा और आगे देख लीजिए वीडियो। ये तो मर्डर हो गया है, अरे तो मर्डर हो गया है। नहीं, एक मिनट भाई साहब, आपसे चौथा वाला शॉट मिस हुआ था। चौथा वाला शॉट मिस होके गत्ते को पार करके पीछे का आदमी खड़ा था, उसका आंख में जाके लगा, वो छटपटा के वहीं पे गिर गया। मर्डर हो गया भैया आपसे? नहीं, हम नहीं किया होंगे, वो हम नहीं होंगे। अरे भाई साहब, आप ही की गोली है, साफ दिख रहा है सीसीटीवी में। अरे नहीं, हम कल हम नहीं गए, कल कहाँ गए हम? कल भाई साहब, आपसे मर्डर हो गया तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप नहीं गए थे? कल तो नहीं गए, कल नहीं गए। हेलो, ये आपसे कोई गोली चली और किसी की डेथ हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। बड़े कमाल की बात, आपके लिए खुशखबरी है ये। क्या बोलना, क्या? दरअसल जिस आदमी को आपके बंदूक वाली गोली लगी, उस पर 10 लाख का इनाम था सरकार का। अच्छा। और 15 लाख का हमने हमारी तरफ से निकाल के रखा था। मैंने किया था सर। आपने किया था? जी, किया था। आपका पूरा नाम? गोपेश्वर राव है। और आपका ठिकाना बताइए? 26 रोड, कलकत्ता। ए, निकाल रे, गाड़ी वाड़ी निकाल, चल, गाड़ी निकाल और आदमी ले लेना 5-6 डो, ठीक है? अरे भाई साहब, आपने जिस आदमी को मारा, हमारी पार्टी का आदमी था, ठीक है? मर्डर हुआ आपसे, आपको अभी घर में घुस के मारा जाएगा, ठीक है? गोली, पहला गोली हम चलाएंगे। अरे तुम बैठो, पहला गोली हम चलाएंगे, भाई दा मारा जो मारा है। अरे नहीं सर, हम नहीं थे। अभी आपने बोला कि आप थे, अभी बोल रहे कि हम नहीं थे? कहाँ से बोल रहे सर, कहाँ से बोल रहे? बेटा तुम तो बहुत लंबे लपेटे जाओगे। पहले तुमने बोला कि नहीं मारा, फिर बोला जब इनाम सुन कि हाँ हम मारे हैं, अब बोल रहे हो कि हम नहीं मारे हैं। जीप निकाल रहे हैं, जीप स्टार्ट कर। अरे बड़ा वाला बंदूक निकाल, लड़की वाला बंदूक हमको दे। चल, हम नहीं मारे सर, झूठ नहीं बोल रहे सर। पहले बोल, बलून नहीं फोड़ेगा जिंदगी में सर। पहले बोल, जिंदगी में बलून नहीं फोड़ेगा? हम नहीं फोड़ेंगे सर, कभी नहीं फोड़ेंगे सर। बोल, फुला के भी बलून नहीं फोड़ेंगे? नहीं सर, फुला के मेरे गलती से घर में बच्चे बलून फोड़ेंगे। बंदूक वाली गोली से कौन मरता है भाई साहब? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। हेलो सर, नमस्कार, मैं पवन श्रीवास्तव बात कर रहा था आपके बैंक से। सर मेरे बैंक से मतलब? सर आप बैंक से बात कर रहा था सर। हाँ बताइए। देखिए, इंसान से गलती होती है, इंसान को माफ कर देना चाहिए। किस बारे में बात कर रहे सर? मैं सर आपसे पहले क्षमा याचना चाहता हूँ सर, कि हमने ऐसा करना पड़ा सर। हमारा टारगेट था, तो आपके अकाउंट में हमने देखा सर 8,88,000 रुपए पड़े थे। मेरी अकाउंट डिटेल किसे पता है आपको? सर मैं बैंक में काम करता हूँ ना सर, तो हमने आपके अकाउंट से सर 2 लाख रुपए की पॉलिसी करवा दी है आप ही के नाम पे। अपने बिना जाने बिना पूछे मतलब ये पॉलिसी कैसे करा दी, किस बिना पे? सर आपके पैसे सुरक्षित है और आपको डबल ट्रिपल मिलेंगे। बिना पूछे मेरे से तूने ऐसे कर किसे दी? मैं तुम्हारे बैंक के ऊपर तुम पर दोनों पे केस करूंगा। केस करने जाएंगे सर, वहाँ पर ज्यादा खर्चे हो जाएंगे। यहाँ पर 2 लाख का 4 लाख हम आपको दे देंगे ना। उसके पैसे ही मेरी पैसे से मेरा ही पॉलिसी बिना पूछे करा दे रहे हो, तुमने किया कैसे? सर बहुत सिंपल सर, पहले हमने फॉर्म भरा सर, उसके बाद में आपके सिग्नेचर कॉपी करे सर, हमने कर लिया सर। अरे तुमसे प्रोसेस नहीं पूछ रहा है कि तुमने कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर इसमें आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा, फिट मिलेगा बेनिफिट गया। हेलो, मेरे घर में शादी है, बहन की पैसों की सख्त जरूरत है और ऐसे टाइम में बिना पूछ तो पॉलिसी करा दे रहे हो, पागल हो क्या? नहीं सर, मैंने पहले बताया था सर, मेरा नाम पवन श्रीवास्तव है। कौन तो मजाक कर रहा है मेरे साथ? सर मैंने पहले आपको बताया सर, बैंक का कर्मचारी हूँ सर मैं। अरे तुम लोग सबके सब फ्रॉड एक नंबर के, अभी घुसते तुम्हारे हम बता रहे तुमको। थोड़ा मतलब दिमाग चलाइए सर, हम फ्रॉड होते आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होने का एक मैसेज आपके पास में आता सर, वो आया आपके पास? नहीं आया। लेकिन नहीं आया ना सर, तो मतलब आएगा भी नहीं, क्योंकि हम रेड एफएम से बोल रहे थे, मुर्गा बना रहे थे सर। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे मार दे तो यार तुम। हेलो, हाँ जी मैडम, वो कुरियर डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। आपको 7 तारीख को ऑर्किड के फूल मिले थे ना पार्सल में, वो कुरियर में? हाँ जी मैम, रोज डे था उस दिन, आप भेजने वाले ने आपको ऑर्किड भेजे, मतलब बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट। हाँ
उससे आपको कोई मतलब नहीं, नहीं, होना नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं है मैडम. मैं तो कह रहा था उसके बाद में 9 तारीख को आपको चॉकलेट्स भी भेजे थे ना, मतलब हाउ स्टूपिड, 3 किलो का चॉकलेट भेजा, 3 केजी चॉकलेट कौन भेजता है. एक मिनट आप चुप रहिए, आप क्या, आपको कुरियर देना है ना, आपको उससे मतलब होना चाहिए, जबरदस्ती का क्या हिसाब लगा. मतलब नहीं, मतलब हमें कुरियर से मैडम, एक्चुअली आपका आज भी एक कुरियर आया हुआ था, एक फेरा का हैंडबैग है, ठीक है, और वो डेलिश की रिस्ट वॉच है, और टोटल 17,000 का, और परफ्यूम भी है एक ITR का. ITR? वो ITR ही लिखा हुआ है, इत्र मैडम, इत्र. तो मुझे क्या करना है इसमें, आप डिलीवरी करोगे ना. हाँ डिलीवरी करेंगे ना मैम, उसी के लिए कॉल किया है, तो मैं 4 बजे आ जाऊँ डिलीवरी करने के लिए. नहीं 4 तो नहीं हो पाएगा, मैं ऑफिस में रहूंगी 4 बजे. मैडम देखियो आज क्या है ना कि फिर मेरे लिए भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कल और परसों, तो मैं काम करता हूँ आपको परसों के बाद वाले दिन में आकर के आपको डिलीवर कर देता हूँ मैम. एक मिनट सुनिए जी, मैं ना कोशिश करती हूँ, मैं हाफ डे ले लेती हूँ, मैं मैनेज कर. आप हाफ डे, आप हाफ डे ले लेंगे, आप मैनेज कर लेंगे मैडम. हाँ हाँ मेरा हो जाएगा. ठीक है मैडम, तो अच्छा पैसों का कैसे करेंगे मैम, पैसों का क्या करेंगे मतलब? नहीं एक्चुअली क्या ना कि पहले का जो पेमेंट था वो तो मतलब वो कार्ड से उन्होंने किया था, वो बाउंस हो गया, तो ये सारे जो है ना ये अभी 17-18 हजार का पेमेंट है, तो ये कैश ऑन डिलीवरी होगा. एक मिनट कैश ऑन डिलीवरी का, कैश ऑन डिलीवरी का मतलब मैम मैं आपको गिफ्ट हैंड ओवर करूंगा, उसके बदले में आपसे कैश लेकर के जाऊंगा ना, सो कैश ऑन डिलीवरी. नहीं सुनो मेरी बात सुनो. हाँ जी. मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे को ये डिलीवरी चाहिए तुम्हारी ना. मैडम एक काम करते, फिर अगर आप नहीं लेंगी तो राजू है, तो घड़ी ले लेगा राजू. भैया लेडीज का है, लेडीज वॉच. अच्छा हैंड बैग तो है, मैं भाभी को दे दूंगा बहुत. हाँ जी बताइए ना. एक मिनट जी, तुम लोगों को बनाने का क्या ये भी काम करते हो डिलीवरी के साथ? नहीं ऐसा क्यों बोल रही आप, मुझे डिलीवरी चाहिए नहीं. आप लोग देखो अपने आपस में देखो क्या करना है. नहीं एक काम करो, पहले मेरी जतिन से बात करने दो मुझे, उसके बाद में देखते तो. जतिन से बात करनी मैडम, जतिन यहीं पर बैठा है, जतिन हमारे पास बैठा है, रो रहा है जतिन. जतिन साथ, हेलो जतिन, जतिन जतिन को नहीं लग रहा. क्या बोल रही है मैडम, जतिन नहीं है ये, जतिन नहीं है. नहीं तो आप कैसे आइडिया लगा लिया कि ये जतिन नहीं है? अरे मतलब हम डेट कर रहे थे ना जी, इस टाइम पे तो ये बहुत बार रोया है मेरे सामने, तो मैं जानती हूँ ऐसे तो नहीं रोता. और रोया लेकिन बावजूद उसके आप छोड़ करके चली गई इसको. तो मेरा खून ना जला इस वक्त. जतिन जतिन यू नो राइट कि मैं चॉकलेट नहीं खाती हूँ. मैडम चॉकलेट नहीं खाती फिर भी आपने रख तो लिए सारे. कौन रख? हेलो यार जतिन यार, आई टोल्ड यू टू मूव ऑन यार, तू क्यों कर रहा है यार ये सब? मैडम अभी आप थोड़ी देर पहले तो पहचानने से इनकार कर दी थी, अभी तो बोल रही है ये जतिन है, अब आप मान रही हैं कि ये जतिन. तू क्या कर रहा है मैडम? कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर में रो रहे थे बैठ करके, बोल रहे थे कि अपने खर्चे पर आपको गोवा लेकर के गए. मैंने बोला था लेकर जाने के लिए, वो क्यों लेके गया फिर? मैंने लेकिन बोला था लेकर जाने के लिए. लेकिन आपने मना भी तो नहीं किया था ना मैडम. सुन मेरी बात, मैं गई थी गोवा लेकिन मैंने भी छुट्टी ली थी इस चीज के लिए, ठीक है? मुफ्त में नहीं मिलती छुट्टियां यहाँ पे. आपको आसानी से छुट्टी मिली, ये तो हमको तभी समझ में आ गया था मैडम जब आपने कहा था ना कि 4 बजे मैं ऑफिस में, ऑफिस से घर आ जाऊंगी छुट्टी लेकर, तभी समझ में आ गया था आसानी से मिलती है. तेरी एक बार सामने आ जा. चुप रह, समझ आ रही है तेरे? जतिन सी यू ऑल्सो न्यू देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट इट, ठीक है? तेरे को भी मालूम था अपन रुमाल ले जतिन, मालूम है ना तेरे को हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे थे, ये तू भी जानता था ना कि नहीं जानता था? टाइम पास कर रहे थे आप, बोल रही है कि टाइम पास कर रहे थे. हेलो मतलब आप कौन है यार? पहले तो यार तुमको क्या दिक्कत हो रही है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से. हम मुर्गा बना रहे थे जतिन के कहने. जतिन है क्या? जतिन वतिन कोई नहीं है, जतिन ने सिर्फ नंबर दिया था इधर, जतिन ललित का नंबर लिखता है. लेकिन मैडम आपने भी सारे गिफ्ट रख लिए अपने पास में. नहीं मैं कोई गिफ्ट नहीं, एक्चुअली वो खुद ही करते हैं लोग अपने मन से, तो मैं करवा लेती हूँ, अदरवाइज
मेरा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं बाय द वे। सही मैम, बहुत अच्छे सिद्धांत है मैम आपके, आई अप्रिशिएट इट। लारे नोबल प्राइस, थैंक यू मैम, ख्याल रखिएगा अपना। ऑलराइट, ये प्रयास है उन लड़कों को लाइन पर लाने का, है ना, जो मतलब जबरदस्ती लड़की के पीछे पड़े रहते हैं बिना जाने कि लड़की वेदर इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, उनके ऊपर में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। इस वैलेंटाइन से यार थोड़ा तो सुधर जाओ। रेड एफएम, अपना मत कटवाओ ऐसे, ठीक है, बजाते रहो। हेलो, द स्टोर्स, हाँ जी, सर आपके पास में साबुन है क्या? हाँ हाँ साबुन है। थोड़ा सा जानना था आपसे कि अभी 10 ग्राम सोने का क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में? ये हम कैसे बताएंगे तुमको, मतलब आइडिया दादा? होगा 1 ग्राम का 2800 रुपया होगा, तो मतलब 2 ग्राम का 5600 रुपया होता है ना। मैं ना आपकी दुकान पे छोटू को भेज रहा हूँ, तो आप उसको साबुन का 15 रुपया काट करके 5585 रुपया दे दीजिएगा, ठीक है? आप क्यों देंगे भाई, अरे तो आप सोना रख लीजिएगा 2 ग्राम सोने का सिक्का जो साबुन में निकलता है ना 2 ग्राम, मेरा काम थोड़ी ना है का नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप रख लीजिएगा, खाली छोटू को 5585 रुपया दे दीजिएगा, ठीक है? कहाँ से बोल रहे हो, क्या ही कर रहे हो, आपसे तो बड़ा हिसाब की बात कर रहे हैं यार आप दादा, ऐसा उल्टा पुल्टा हमको बोल रहे हैं। तो आप 2 ग्राम में किराने मिलेगा? हाँ तो किराना की दुकान में 15 रुपए का साबुन मिलेगा। अरे आप तो साबुन के अंदर में सोना भी रखते है ना, 2 ग्राम दिमाग है तुमको, कंपनी दिया है तो मेरे को काहे की फोन करके कर रहे हो भाई। हाँ तो कंपनी दिया तो सोना का सिक्का तो आप ही रख रहे हैं ना, आप ही को रखने के लिए दे रहा हूँ, हमको खाली साबुन दे दीजिएगा 5585 रुपया दे दीजिएगा साथ में। क्या पता किसमें है बाबा, आप दुकान चला रहे हैं इतना सारा ये है आपको मालूम नहीं होगा, झूठ बोलते हैं। जहाँ सिक्का होता वो वाला साबुन आप अपना घर में ले जाते होंगे। अरे सुनो, लास्ट ऑफर 15 रुपया का साबुन का 20 रुपया देंगे तुमको, 5580 रुपया दे देना। 1 रुपया मेरे के साबुन भी नहीं देंगे, काहे नहीं दोगे, कस्टमर है हम। सामने आके बात करो, फोन पे क्या बात करो, अरे सामने भी आके बात कर लेंगे, ऐसा चिटिंग बाज आदमी को तो हम लोग एकदम फेस टू फेस पेश करेंगे। बनिया आदमी, हेलो, आधा साबुन रख लीजिए और 1 ग्राम सोने का पैसा रख लीजिए, यानी कि क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, हम सौदा करने के लिए उतरे हैं, मारवाड़ी आदमी है, तुम मारवाड़ी है तो हम भी बिहारी है, तुम रखो फोन। कहाँ मारवाड़ी है, तुम सामने आके बात करो, तुम्हारे जैसे चिटिंग बाज आदमी का हम चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। तुम्हारे आदमी से मेरे को बात करने का मन नहीं है, तुम रखो फोन। तो वो तो आप भी रख सकते हैं, हम रख रहे फोन, देखो। हेलो, पहचान तो आप जाएंगे मेरी आवाज से। अरे वाले रखो फोन, मेरा एकदम दिमाग खराब कर दियो तुम। 5000 रुपया ले लेना, 600 रुपया खाली दे देना, छोटू को भेज दे रहे हैं। छोटू जाओ भैया का दुकान में। भैया कौन सा दुकान? 600 रुपया लेकर के आएगा दादा से। अरे वो सारा फालतू आदमी नहीं देगा पैसा हमको। अरे नहीं देगा तो कंटप्पा लगा करके लेकर के आना। अरे को गाली दे, कौन बोल रहा है? गुप्ता अंकल तुम फालतू हो साला, लॉलीपॉप मांगते साला, हमको साला थप्पड़ मार देता। कौन बोल रहा है? रेड एफएम से बोल रहे, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे यार गुप्ता अंकल लॉलीपॉप का नाम। कभी आपकी दुकान से खरीदे हुए साबुन में किसी का सोना निकला है? सोना तो नहीं निकला है। तो फिर बना रहे। हेलो, हाय मैम, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम आईफोन। कैसी हैं आप? Yeah, I'm fine. I'm talking to Gargi, right? Yeah, yeah. तो जो हमारे कैमरा के फिल्टर्स वगैरह हैं, वो कैसे लग रहे हैं आपको? They are amazing. I mean, seriously. ये जो फिल्टर्स का आप इस्तेमाल कर रही हैं, इनकी भी एक लाइफलाइन होती है, जिसके बाद में आपको इन फिल्टर्स को रिचार्ज कराना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, आपके फोन से ये सारे फीचर्स हट जाएंगे, ये फिल्टर्स वाले। Hi, I'm getting to hear this for the first time. I mean, आप बहुत सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे क्रोम, फेड, नॉयर एंड पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड कर रही हैं। So it's time to recharge. ऐसा थोड़ी होता है। My friends, they were using. अरे ऐसा होता है मैडम, जब हम आपको बोल रहे हैं। Why are you shouting? Like I'm talking to you. अरे मैं आपको समझा रहा हूँ। एक मिनट, यू लिसन टू मी। अरे बदतमीजी। हेलो मैडम, एक तो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं आप। फिल्टर कॉफी में फिल्टर कॉफी के पैसे देने पड़ते हैं, फिल्टर वाटर लेते तो उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो फिल्टर आप इस्तेमाल कर रही हैं आईफोन में, इसके भी पैसे देने पड़ेंगे आपको। सर इनका डेबिट कार्ड लिंक्ड है, काट लो पैसा। हाँ काट ले, 500 पुराना और 500 अभी का। तू सारा पैसा काट के दिखा पहले। हमारे ऐप का इस्तेमाल करके फोटोज अपलोड कर रही हैं फेसबुक पे, और वहाँ से मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स निकाल रही हैं। आपके फिल्टर यूज करके मैं यहाँ पे खूबसूरत नहीं बनी, आई एम बॉर्न ब्यूटीफुल। बॉर्न ब्यूटीफुल। सुनिए मैडम, डायना पेंटी की पट्टी भी ना आपसे ज्यादा खूबसूरत है, और दांतों के मसूड़े देखे ना, माइंड योर लैंग्वेज, उनकी तस्वीर भी आपके शक्ल से ज्यादा अच्छी आएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन से आप पैसे वैसे काटने की कोशिश कर रहे हो ना। क्रोम फिल्टर जो है वो लास्ट स्टेज में है, मरने वाला है, इतना इस्तेमाल कर रहा है। आपकी शक्ल से ज्यादा खूबसूरत स्टूडेंट के एड में जो कीड़े आते हैं ना दांत के, वो ज्यादा खूबसूरत है। सीरियसली आप
शादी करने के लिए पैसे दिए जाते हैं क्या वहाँ पे? मैं खुश हूँ रे तू। मैम व्हाट डिड यू से इन बिटवीन यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल? नो डाउट हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेड एफएम 93.5। मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। प्रवीण दिमाग खराब करके रखते यार। आई डाउटेड ऑन व्हाटएवर माय ब्यूटी इज। नहीं नहीं खूबसूरत है तू, खूबसूरत है यार। हाँ लड़की खूबसूरत होती है, हम तो बस मुर्गा बना रहे थे। हेलो विक्रम जी। हेलो। हाँ जी कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कौन? मेरी छोड़िए सर, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पर आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा ना वो सब छोड़िए, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जैसे ब्लू आपका फेवरेट कलर है राइट? आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अभी रिसेंटली आप शायद किसी विदेश यात्रा पर गए थे एंड उस विदेश यात्रा में आपके पैर में चोट भी आई होगी। पर आपको कौन बोल कौन रहे आप? क्योंकि बुध के घर में मैं शनि देख पा रहा हूँ। आप पेट बहुत पसंद करते हैं, पेट एनिमल्स? हाँ बिल्कुल सही है। और जो योग देख पा रहा हूँ मेरे ख्याल से दो पेट एनिमल आपके पास में है। एक मेरे ख्याल से जर्मन ब्रीड का होगा, जर्मन शेफर्ड, और दूसरा लैब्राडोर होना चाहिए। आपको ज्योतिष है क्या? कौन बोल रहा है? ज्योतिष तो नहीं हूँ लेकिन जानकारी मेरे पास में बहुत है। जैसे हिल स्टेशन आपको बहुत पसंद है, जब आप छुट्टी की बात करते हैं। बिल्कुल सही। आपके मन में अभी थोड़ा सा खट्टापन है अपने जॉब के प्रति, क्योंकि आप अपना जॉब छोड़ करके कुछ नया करना चाहते हैं। आप जैसे अपना बिजनेस करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और लव लाइफ आपकी कुछ ठीक नहीं चल रही है तो पहले से जान लो उसको। आप ये बताओ कि आप हैं कौन, मतलब क्या हो सकता है मेरी लाइफ में, मतलब ऐसे करियर को लेकर आप बताओ सर। अगर आप मेहनत करें तो करियर आपका मुझे दिख रहा है बहुत बेहतर। और आपको आपके दोस्तों के साथ में वक्त बिताना काफी अच्छा लगता है। अगर अगल बगल आपके कुछ करीबी मित्र हो तो यू फील कम्फर्टेबल राइट। और आपको बाइक वाइक का भी बहुत शौक है। बिल्कुल। वो दो चक्के वाला योग दिख रहा था मुझे। आप मुझे इतना बता सकते हो? इतना मदद करके बता दे। और क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, क्या क्या कर सकता हूँ मैं? और तो कुछ बता नहीं सकता, मेरे पास में उतनी इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। आपने इतना सब बता दिया, मतलब कुछ तो पता होगा आपको, आप कुछ तो जानकारी। ज्योतिष नहीं हो भाई। तो कौन बोल रहा है आप? सारी चीजें तो तूने फेसबुक पे डाल रखी है, जितने भी मैंने बताए तुमको, ठीक है? कुछ भी नया नहीं बताया, वही मैं तुमको बता रहा हूँ। तुमको लग रहा है मैं ज्योतिष बोल रहा हूँ? कौन फोन कर भाई, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अपनी लाइफ में कुछ तो पर्सनल, सब कुछ फेसबुक पर हागने की जरूरत नहीं। अभी जो ट्रेंड चला आ रहा है तो लगा लिए, हम भी चला लिए, सब ही डाल दिया भाई। हेलो प्रियदर्शनी जी। क्या बोलते? प्रियदर्शनी जी आप हमारे स्टोर में आई थी थोड़े दिन पहले शॉपिंग करने के लिए, 3 दिन पहले, और आपने ड्रेस खरीदी थी। मैम हमारा अपनार ওই ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলও চেক করেছিলাম যেখানে আপনি হ্যাশট্যাগ ভর করেছিলেন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি তকরিবন 17-18 পিকচারস আপলোড করি হ্যাঁ हमारे ट्रायल रूम से। और आपने खरीदी दो ड्रेस थी। मैंने किसी प्रॉब्लम ताते नहीं, और आपने अपलोड किया है वहाँ पर, लिखा है सबको थैंक यू बेब, खूब भालो सुंदर, एटा मी एखाने किनलाम, एटा मी ओखाने किनलाम, ऐसा आपने लिखा है ना? लेकिन लेकिन तस्वीरें आपने 17-18 अपलोड करी है हमारे ट्रायल रूम के अंदर से, के अलग अलग ड्रेस लेकर के। तो मैम हमारा 44,000 का एक बिल है, वो हम आपको भेज दे रहे हैं। 44,000 बिल की? मैम आपने हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, आपने तस्वीरें अपलोड करी है, कॉम्प्लीमेंट बटोरे हैं लोगों से, ट्रायल रूम के अंदर से 1-2 फोटोग्राफ चलता है, लेकिन मैम 16 फोटोग्राफ ये थोड़ा सा टू मच हो गया। मैम 44,000 टाकार बिल आछे, सेटा आमरा आपनाके पाठिये देबो, ठीक आछे? सेटा आपनाके किन्तु पेमेंट करते हबे। আপ আপনি জমান সম্ভালি, আপ বহুত গন্দা বেশ করবো ফটো তুলবো, কি করবি তুই আমার? পুলিশে ফোন করবি, তুই যাকে খুশি ফোন কর, আমার বাবা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, ঠিক আছে? তুই আমাকে পুলিশ তো আমাকে দেখাচ্ছিস, তুই ফোন রাখ, তারপর আমি তোকে দেখাচ্ছি তুই আমার কি করবি। নমস্কার ম্যাডাম, প্রিয়দর্শিনী বলছেন? হ্যাঁ। আমরা লোকাল থানা থেকে বলছি, যে মলে গেছিলেন সেটি আমাদের জুরিসডিকশনে পড়ে। যে স্টোরে আপনি গেছিলেন, আমি অফিসার ইনচার্জ মিস্টার বাগচি বলছি। নমস্কার, আমাকে ফোন করেছিল ওখানকার যারা কাজ করে আর কি, ম্যানেজার যিনি রয়েছেন। একটা ব্যাপার হচ্ছে যে প্রথমত সোশ্যাল মিডিয়ার যত কমেন্টস এবং রিপোর্ট, এগুলো কিন্তু আজকাল লিগাল ডকুমেন্ট, আপনি আশা করি জানেন, সেটার জন্য তো আপনাকে পে করতে হবে ম্যাডাম। দেখলেন স্যার, হ্যাঁ কিভাবে কথা বলছে, আমি একটু আগে কথা বললাম ওনার সঙ্গে, হ্যাঁ উনি আমায় গালাগাল দিয়েছেন।
আপনি গালাগাল দেবেন না ম্যাডাম, আপনি না 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 আপনি গালাগাল দিতে পারেন না ম্যাডাম। তার মানে পুলিশে নেই আপনার বাবা তো? চুপ করে বেলা একই, তুমি কাঁদছো এতদিন ধরে এত অপেক্ষা। প্রিয়দর্শনী জি, জিতনি মর্জি ফোটো আপলোড করি কীজে, হমে কোই দিক্কত নেই, পয়সে ভি নেই চাহিয়ে। মে আরজে প্রবীণ ও আরজে নীল রেড এফএম সে হাম দোনো বোল রহে থে, মুর্গা বানা রহে থে। অভি লড়কি কে চেহারে পর হাসি আ গই। হ্যালো, বলছিলাম যে আমি একটা অর্ডার করতে চাইছিলাম। হ্যাঁ বলুন, কি অর্ডার করতে চাইছেন? বলছি আপনারা কি পার্টি অর্ডার নেন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিতে পারবো। তাহলে একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে নিন। আচ্ছা, মানে এটা একটা বড় পার্টি। আচ্ছা, তো নাম্বার অফ হেডস একটু কাইন্ডলি বলেন। 250-300 লোকের? হ্যাঁ হয়ে যাবে, হয়ে যাবে ম্যাডাম, হয়ে যাবে। হ্যাঁ ভালো করে করে দেবেন তো? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমাদের রেস্টুরেন্টে খাওয়া খারাপ খাবার পাওয়া যায় না। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, তাহলে লিখে নিন। হ্যাঁ একটু কাইন্ডলি অর্ডার করব। 250 বাটার চিকেন, 250 বাটার চিকেন, 150 পনির বাটার মশলা, 100 ডাল মাখানি। ভালো করে একটু বাটার দিয়ে দেবেন ডাল মাখানি। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, ডাল মাখানি আর 150টা চিকেন বিরিয়ানি। আচ্ছা তাতে ডিম থাকবে কি? না ডিম না। শসা টমেটো লঙ্কা ফ্রেশ হয় যেন, স্যালাড গুলো মাঝে মাঝে খুব ইয়ে হয়ে যায়, স্টেল হয়ে যায়। 300টা পান, মিষ্টি পান, 300টা মিষ্টি পান, ঠিক আছে ঠিক আছে। আর একটা জিনিস একটু কাইন্ডলি বলবেন, আমি বিলটা কার নামে করবো? বিল? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে তাহলে বিল পাঠাতে হবে, আমি যখন ডেলিভারি বিল দিতে হবে। হ্যাঁ বিল তো একটা আমাদের রেজ করতেই হয়, মানে এতগুলো আইটেম। ও বিলটা উপরওয়ালা দিয়ে দেবে, নো প্রবলেম। উপরওয়ালার নামে বিল কি বলছেন নাকি ম্যাডাম আপনি? উপরওয়ালার নামে কখনো বিল হয় নাকি? কেন হয় না, একবার করে দেখুন না। উপরওয়ালার নামে বিল করবো মানে আপনি যা তা বলে যাচ্ছেন। হ্যাঁ আরে ওপরওয়ালার নামে একটু বিল। আচ্ছা বাবা আমি এসব বুঝি না, আপনি কি বলতে চাইছেন? আপনি বরঞ্চ আমার হাজবেন্ডের সাথে কথা। হ্যালো, হ্যাঁ আপনি কে বলছেন? হ্যাঁ আমি ওনার স্বামী বলছি দাদা, বলুন। আপনার ওই সিজিএসটি আর জিএসটি যেটা হয় না সেটা দেবেন না, ওটা আমাদের লাগবে না। আপনি কখনো উপরওয়ালার নামে বিল হয় নাকি? আপনি কি বাজে কথা বলছেন দাদা? বলছি আপনি পাঠিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? তাহলে আমরা অপেক্ষায় থাকবো আপনার ফুড অর্ডারের। আহারে তুমি কথা শুনছো না? আহারে বলছি, আহারে রে 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 রে, তুমি কথাই শুনছো না আমাদের? আপনি আমার কথা শুনুন, উপরওয়ালার নামে আপনাদের কি বাড়িতে কারোর নাম নেই যে উপরওয়ালার নামে বিল করবো? বাজে কথা। আহারে অনেক রেগে গেছে ছেলেটা। কি রেগে গেছে ছেলেটা? আপনি যারা ফোন করে না লোকের সময় নষ্ট করছেন এইভাবে দাদা। আপনার ওয়াইফকে একটু বলুন ঠিক করে বলতে, উপরওয়ালার নামে বিল করবে দাদা। আহারে আহারে ব্যাপারটা কি? আহারে শুনিয়ে দাদা, মে প্রবীণ বল রা হুম রেড এফএম 93.5 সে। মেরে সাথ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত জি হ্যাঁ, উনকি মুভি রিলিজ হো রহি হ্যায় 22 ফরবরি কো আহারে। আরে ইয়ার ইয়ে মানে ক্যা বোল দিয়া। তো আপসে জো পেহলে অর্ডার আপকো লিখওয়া রহি থি ও ঋতুপর্ণা জি থি। আরে সত্যি ঋতুপর্ণা? আরে এখন আপনি রেগে আছেন? আহারে ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আপনিও বলুন আহারে। মজাক দাদা। হ্যালো বাবাইদা, আমি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছিলাম। আমরা কলকাতা থেকে দীঘা যাওয়ার নতুন একটা ফ্লাইট শুরু করেছি। কোথা থেকে বলছেন? ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছিলাম। আপনার নামটা আমরা দেখেছি যে আপনি অনেকবার দীঘা গেছেন, তো আপনি কি এই ফ্লাইটে যেতে চাইবেন? না আজকে কি শুক্রবার, তো একটু সময় নিয়ে নিচ্ছি। 5 মিনিটে কল করছি। হ্যালো দাদা, আমি ওই
ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট করেছে। দাদা কালকে আমাদের ফ্লাইট আছে। হ্যাঁ আমি যেতে রাজি আছি। কোন সিট নেবেন ফ্লাইটে? একদম প্রথমে। পয়লা সিট লেগা তো পাইলট কাহাঁ বৈঠেগা? আচ্ছা ঠিক আছে, পাইলটের পেছনে দিয়ে দিন। একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু দেখে দাদা। পেছনে সিটটা তো দাদা বুক আছে। পরের দিকে? ও ভি বুক আছে দাদা। বসার জায়গা কোথায়? ম্যাটাডোর দেখেছেন? ম্যাটাডোর? ম্যাটাডোরে যেরকম ওপরে জিনিসপত্র রাখা হয় দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, আমরা সেভাবে ফ্লাইটে আপনাকে ওরকম ওপরে ফেলে দড়ি দিয়ে বেঁধে আপনি এরকম হাতটা পুরো টাইটানের মতন করে রাখবেন। দাদা আপনি আমার সাথে কি মজা করছেন? ঠিক ধরেছেন স্যার, আমি স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান হতে চেয়েছিলাম কিন্তু হয়ে উঠতে পারিনি, তাই যখনই ইচ্ছা হয় একটু ইয়ার্কি মেরে নি লোকেদের সঙ্গে। কতক্ষণ লাগবে ফ্লাইটে যেতে দিঘা? দাদা প্রায় ছ ঘন্টা লাগবে। ফ্লাইটে তো কম সময় লাগার কথা। আমরা মস্তি করতে করতে যাবো তো, অন্তাক্ষরি খেলবো সবাই মিলে, তারপরে আমরা কোলাঘাটে দাঁড়াবো। ফ্লাইটে যাবে, কোলাঘাটে দাঁড়াবে? আরে দাদা সব অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। তারপরে আমরা কন্টাই নেবো, ওখান থেকে একদম সোজা গিয়ে সেই রাস্তায় দেখবেন অনেকগুলো গাছ আছে তো, হ্যাঁ ওই গাছগুলো পেরোনোর পর একটা স্কুল পড়ে, স্কুলের পাশে একটা দিদামার ডাবের দোকান। ডাবের? আচ্ছা প্লেনে যাব ওখানে কন্টাই ডান দিক বাদিক? হ্যাঁ এটা আমাদের রুট ম্যাপ, ওখানে আমরা ডাব খাবো। আবার প্লেনে গিয়ে আবার ডাবও পাবো? দীঘা যাওয়ার তো মজাই করে যাচ্ছেন। ঠিক ধরেছেন দাদা, আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি আ স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান। কয়েকটা গাইডলাইন আছে, ফ্লাইট থেকে এরকম হাতটা বের করবেন না। ফ্লাইটে হাত বের করবেন? হাত বের করলে হয়তো যদি সামনে দিয়ে কেউ উল্টি করছে হাওয়ায় উড়ে যদি আপনার হাতে লেগে যায়। ফ্লাইটের জানলা বন্ধ, আপনি খালি মজা করে। আবার কিডিং স্যার, আপনাকে স্যার লাস্ট সিট দেবো আমাদের ফ্লাইটে, সেখানে জার্কিং একটু কম হবে। ফ্লাইটে জার্কিং কি করে হবে স্যার? এই দীঘা যাওয়ার রাস্তায় স্যার প্রচুর বাম্পার আছে তো, সেই বাম্পারে টপকে 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 মানে যাবো। আকাশ দিয়ে যাবে, সেটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে না? না স্যার আপনি ভুল বুঝেছেন, আমরা একটা নতুন বাস লঞ্চ করেছি, বাসের নামটা রেখেছি ফ্লাইট। Just kidding দাদা, I always wanted to be a stand-up comedian. मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। Hi Rishabh. हाँ Rishabh बोल रहा हूँ। Rishabh मैं दीपक बोल रहा था यार। कौन दीपक? I am sure that you won't remember. मैं यार तू सेक्शन ए में था, मैं सेक्शन बी में था। हाँ याद आया? मैं बिल्कुल मजे में यार, तू कैसा यार? मैं एकदम ठीक हूँ भाई, कहाँ यार? मैं एक्चुअली आई हैव शिफ्टेड टू मॉरिशियस एंड आई हैव जस्ट कम टू कलकत्ता, तो संदीप से तेरा नंबर मिला। ओके ओके भाई, राइट गुम हो गया भाई तू तो, मतलब भाई सालों बाद आवाज सुन रहा हूँ तेरा यार। हाँ एग्जैक्टली यार, बहुत टाइम हो गया यार इंडिया छोड़े हुए, वो बचपन वाले दिन याद आते हैं यार एकदम, मतलब बड़े कमाल के दिन हुआ करते थे। बात तो सही है भाई, हम लोग स्कूल में एक से कैसे करे टिफिन झपट्टा मार मार के खाते थे। एंड इफ यू रिमेम्बर अपने मैचेस वगैरह हुआ करते थे, उसमें यार कैसे हम लोग मतलब मर मर के कोई एक रुपए देता कोई पचास पैसे देता और हम लोग बॉल खरीदा करते थे। हाँ भे, फिर वीकेंड में जाते थे हम लोग घूमने के लिए पैसा जमा करके यार। ले दे क्या, हम लोग एलियट पार्क ही तो गए घूमने के लिए। नाली नाली से वो दो पत्थर लगा करके बॉल उठाते थे एंड उसके बाद में बॉल को अच्छे से धोते थे, हाथ भले ही ना धोए। बात तो सही है भाई, गजब गजब दिन थे यार। ईश ची 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 ची, उसके लिए पनिशमेंट भी मिली थी। राइट, बाहर खड़ा कर दिया था हम लोगों को स्कूल में, जो आम का पेड़ था उस पे पत्थर मार करके हम लोग आम तोड़ा करते थे एंड वी गॉट पनिश्ड मेनी अ टाइम्स फॉर दैट। वो पत्थर के चक्कर में शीशा भी तोड़ जाता हम लोगों ने यार। हाँ बचपन में कैसे इतना खेलते कूदते थे, धूप में काले भी नहीं होते थे। अभी तो मतलब थोड़ा सा खाता हूँ यार पूरा पेट फूल जाता है, तो आई एम हिटिंग जिम एवरी डे। ओके यू रिमेम्बर दैट? सनस्क्रीन के पैसे नहीं हुआ करते थे, उसके लिए वो लगाना पड़ता था उस टाइम में। बिजी लोग चुरा के जाते थे। तू विटामिन की गोली लेता है क्या? विटामिन की गोली? विटामिन की गोली तो चल ही रही है भाई। ऐसा सरप्राइज दिया भाई, आज का दिन मेरा और अच्छा निकलेगा अभी तो। नहीं नहीं यार, अभी प्लान करते हैं मिलने का। अभी है कहाँ पे तू? मैं अभी कलकत्ता में आया हूँ यार, यहाँ में रह रहा हूँ मैं। तो आज ही मिलना भाई। हाँ मैं आज शाम का प्लान बनाता हूँ ना यार। याद है तेरे को मतलब बचपन में ऐसे हाथ गंदे वंदे खाना ना खा लेते तो कुछ नहीं होता था अपने को? हाँ भाई अभी तो मेरा और बुरा हाल है पता है, सैनिटाइजर वाला भी काम शुरू कर दिया मैंने। हाँ मेरे को मालूम है, तू तो दरवाजा खोलता उसके बाद में भी पहले हैंड सैनिटाइज करता है। ये कैसे पता तेरे को? हाँ, मेरे को सब मालूम है भाई। अबे नहीं नहीं, ये कैसे पता तेरे को दरवाजे वाला? क्योंकि आपके फ्रेंड ने मेरे को आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आरजे प्रवीण? हाँ जी।
ओहो बेवल, मुर्गा बना रहे थे क्या? नहीं, मुर्गा नहीं बना रहा था आज। एक्चुअली आज नॉस्टैल्जिया में बात करते करते ना बह गया मैं, और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बचपन में वो कैसे खेलते कूदते थे, दिन भर ढाई मन खा लेते थे फिर भी वजन नहीं बढ़ता था, नाली से बॉल निकाल करके लाते थे, हैंड सैनिटाइज नहीं करते थे, बट फिर भी एकदम परफेक्ट रहते थे। अभी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। जी प्रवीण भाई, एक्चुअली आपने इतना नॉस्टैल्जिक मेरे को कर दिया है, मतलब फिर रोना ही बाकी है, मतलब ऐसे दिन याद दिला दिया आपने मेरे को, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। भाई सेकंड ईयर के सौरभ जी, हाल फिलहाल में इन्होंने गिटार बजाना सीखा है और इतना रौड़ा पा रखा है, मतलब रॉकस्टार के वो जिन्हें जनार्दन झाकड़ वो बन रखे हैं। कहते हैं ऐसा गिटार बजाता हूँ, ऐसा गिटार बजाता हूँ, खड़े खड़े सुसु निकलवा देता हूँ। अच्छा आज बजवाते हैं इनसे बैंड। हेलो हेलो, नमस्कार बेटे, मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हो रही है, बोलो। बेटे नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। आपका नंबर दरअसल मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था, आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है ना अनिरुद्ध। आप पढ़ता होगा भाई साहब। थोड़ी सी समस्या में था बेटे, हमारे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बता रहा था आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। आप बजाते बेटे, जरा अभी फोन पे थोड़ा सा गिटार बजा दोगे एक दो मिनट? जिप खोल के रख रहा, तू जिप खोल के रख। हेलो हेलो, आप क्यों बजाऊ यार? बेटे मैं यहाँ पे मेरा हाँ दादू के आगे भी तो कुछ बोलना। दादू करवाते हो ना? बेटे करवाने लगा हुआ हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए इसको मूवी देखने के लिए। मेरी समस्या तो ना तुम्हारी समस्या, तुम ऑटो यार सुन तो ले बेटे, तुम्हारे दादा की उम्र का हो ये, तुम लिहाज नहीं करे किसी चीज का? अरे दादा की उम्र का है ना, काका दादा तो नहीं है। अच्छा ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मदद तो हो ही सकती है ना। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है अंकल, अपने बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। तो आप गिटार बजवाने के लिए क्या तेरे पास गहने रखवाऊंगे अपनी बीवी के? आधे रखवाने पड़ेंगे। अच्छा फालतू की बातें कर रहे हैं, सुन मेरी बात, जिप खोल के रख, तू पैंट उतार दे अपनी। हाँ ऐसा है, अकड़कम पहले अकड़कम, काम तुझे मुझे नहीं है, अकड़कम। हेलो ओम शांति ओम, ठीक है मेरी बात सुन। मेरा जो पोता है ना बेटे, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा है, पिछले 3-4 घंटों से टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा है। इसने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, इसने 2-2.5 लीटर पानी भी पी लिया, इसने जूस वूस भी पिया। सीटी बजाई मैंने, इतनी बार सीटी बजाई, कई बार तो पता नहीं चला मेरा खुद का हो गया पजामे में, 3 पजामे मैंने सूखने के लिए डाले। सुनो तो सही, दरअसल मेरे को पता चला था तुमने कॉलेज में अपने बोला हुआ है कि तुम ऐसा गिटार बजाते हो कि आदमी खड़ा खड़ा मुद देता है, तो बेटे अगर ऐसा है तो जरा थोड़ा सा गिटार बजा दो, मेरा यहाँ पे पोता मुद देगा। नहीं बजाऊंगा। प्लीज बजा दे बेटे, बेटे बजा दो। हेलो मैं बता रहा हूँ, गाली बक दूँ आपकी? है गाली बक देगा? देख मेरा पोता क्या कह रहा है। क्या मतलब है, क्या अरे बेटे यहाँ पे थोड़ा सा निकलवा दे बेचारे, कुछ कर लो, नहीं बजाऊंगा। अरे दादा पोते ने दिमाग खराब कर रखा। अरे मैं गिटार से सिताई कर दूंगा। तू छोड़ दे सौरभ, तुम बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, हम 6:40 और 7:40 पे बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हो? बैंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से, भाई आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। ये बुड्ढा कौन था? बेटे मैं। हेलो, आपको शर्म नहीं आती है? सॉरी कौन बोल रहे हैं आप? ये जो टूथपेस्ट आप ब्रश पे लगाते हैं, ब्रश से गलती से गिर जाता है वॉश बेसिन में, आप उंगली से उठा करके वापस ब्रश में लगा लेते हैं, फिर उसी ब्रश को मुंह में लेके ब्रश भी शर्म नहीं आती सब करते हुए। अच्छा वो सब छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बाथरूम से आप जब निकलते हैं नहा करके, तो ऐसे सांवरिया की पोजीशन में टॉवल खोल करके पंखे के नीचे खड़े होकर के क्या सुखाते हैं आप इतना? अबे तो पागल तो नहीं? और टॉवल का कलर क्या, येलो? अबे सुनो के, हेलो ये जो माउथ वॉश आप खरीद करके लाते हैं कुलकुची करके, ये फेंकने की जगह आप अंदर वापस क्यों ले लेते? मेरा पैसा मैं जैसे यूज करूँ, मेरा को कौन होता है सब आपका? लेकिन मुझे ये बताइए कि पंखे के नीचे सावरिया स्टाइल में पीला रंग का तौलिया इसे फैला करके आप सुखाते क्या भाई साहब? बहुत हो गया, तू अपना एड्रेस दे, अभी आता हूं तेरे को, क्या सुखाता हूं? आपने घर में सीसीटीवी लगवाया ना 10 दिन पहले, तो क्रॉस कनेक्शन हुआ है और आपकी सारी सीसीटीवी की फुटेज मैं अपने मोबाइल पे देख पा रहा हूं, आपका पड़ोसी बोल रहा हूं मैं। क्रॉस कनेक्शन हो गया तो आपको आकर के हमें बताना चाहिए ना, ऐसे फोन में क्या अगर बोल रहे? नहीं नहीं मतलब हम तो देख रहे थे, और ऐसी ऐसी हरकतें आपकी, सुखाते क्या है आप? तेरे को पता नहीं मेरा पहुंच कहां तक है, तू क्या कर रहे है मेरे को फोन करके ये सब सुना रहे हैं बार बार? आपने आपने गाली दी है ना? गाली तेरे को बार बार दूंगा, तेरे को सामने मिल। चलिए देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आपके वीडियोस तो मेरे पास में ना, जा तू कर ले जो करने के लिए। हेलो, सन्नाटे को चीटती सनसनी में आज हम आपको बताएंगे एक दरिंदे राजेश की कहानी, जो शुक्रवार की रात अपनी पत्नी को किचन में खाना बनाने नहीं देता,
पीछे से जाकर उसकी बाहों को थामकर, उसके कमर को थामकर, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करता है ये दरिंदा। लेकिन इन सबके बीच में वो अपनी बीवी को प्यार से पुचकारना नहीं भुलाता। नेशनल टेलीविजन पर वो ऊंची आवाज में बात भी कर रहे हैं। ये दरिंदा अपनी खिड़की में खड़ा होकर बिल्डिंग में सुसु भी करता है। खिड़की से बाहर सुसु करने वाले इस दरिंदे की आवाज सुनिए। कनेक्शन हो गया, मेरा तो गलती है भाई, सुन मेरा बात सुन ले। और तो और ये अपने पड़ोसियों को गाली देता है। अबे भाई क्या कर रहा है, सारी बातें हमें उनके पड़ोसी ने बताई है। आइए। अरे भाई मेरा बात सुन रहे ना तू? हेलो सुन रहा हूँ। क्या क्या कर क्या रहा है तू भाई? गाली देना वीडियो फुटेज को लेकर। गलती हो गया यार, जल्दी कान पकड़, कान पकड़। कान पकड़ता हूँ, कैमरे के सामने आके मैं कान पकड़ो भाई। देख देख देख, तू देख रहे ना मेरे को? देख पहले हमें बताइए कि आप सुखाते क्या? अरे भाई क्या सुखाता, कुछ नहीं सुखाता यार, कपड़ा खोल के दूसरा कपड़ा पहनता हूँ। हेलो, आपकी बीवी ना बहुत बदमाश है, मैं आपको बता रहे हैं भैया। और दिमाग मत खा यार, बताइए ये सब अंदर की बातें कोई किसी को बताता है? अरे नहीं बताता यार। तो आपकी बीवी ने हमें बताया ये सब कुछ? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से। हमने कोई वीडियो फुटेज नहीं देखा है। दादा सुखाते क्या हो? सुखाता हूँ भाई, अब तो खुश है ना तू? पागल है क्या तू? हेलो, आपका नाम सर? बात कर रहा हूँ, कौन? यू आर अ शेफ? हाँ शेफ हूँ। भाभी कैसी है? भाभी अच्छी है, आपको? पिंकू कैसा है? पिंकू भाई अभी तो शादी हुई है, पिंकू कहाँ से हो गया? अरे हम तो खबरें सुन रहे थे आपके पिंकू के बारे में। आप बोल कौन रहे हैं? अच्छा रुको, अभी तुमको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मोम चित्ते नित्य नित्य पोते घाटे तथा थाई थाई। क्या बोल रहे? मोम चित्ते नित्य नित्य पोते घाटे तथा थाई थाई। अरे क्या गा रहे हो यार, ये क्या क्या है ये? किसने लिखा बताओ बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ तो टैगोर टैगोर, अब तुम कनेक्शन बैठाओ, याद आ रहा है? क्या कनेक्शन मिला रहे हो यार बेटा? देखो तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा छोटा तैमूर, मम्मी शर्मिला टैगोर और तुम सैफ। यार आप क्या बातें कर रहे हो, आप कहाँ फोन मिलाया है, आपने कौन हो यार? आपने बोला ना आप शेफ हो। हाँ, तो सैफ अली खान। वे कैसे हो? अबे वो बहुत दिमाग खराब कर रहे, फोन रखो। वे अरे फोन रखो यार, दुखी कर रखा है यार। वे तो तुम भी रख सकते हो। हेलो। हाँ बेटा, कौन बात कर रहे हैं? एक चीज बताओगे? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? बेटा तारा रंपम, तारा रंपम। हाँ? ये कोई नाम होता है सिनेमा का? क्या सोच के रखा था आपने बेटा? अरे आपने किसको फोन मिलाया, कौन? सैफ को, सैफ। तारा रंपम बेटा, ये बहुत गंदा जलील जाहिल जुलुलुलु नाम है ये। एक जगह से ही फोन करेगा तो फोन रखो, गोली मारेंगे बेटा। ये टैलेंट है आपका, घुस के गोली मारेंगे। हेलो, आई एम स्पीकिंग टू शेफ। या आई स्पीकिंग। जब आप कोई बहुत ही बेहतरीन डिश बनाते हैं जिसका टेस्ट एकदम रंगीन और संगीन हो, तो आप टेस्ट करके क्या कहते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट यू से? बात कौन कर रहे हैं पहले बताएंगे आप? होटल के जीएम का मैनेजर बोल रहा हूँ मैं। ओके ओके सर। या हाँ, तो पहला शब्द आप क्या कहते हैं? वाओ। वेल, इसे कहते हैं आप? अरे कौन फिर से कहते हैं? हेलो सर। हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग अरे यार 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 ले लो यार, इसे यार क्या बात है, कैसे हो तुम? रद्द हो गई यार। हेलो, हाय मैम, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम इन इंडिया। व्हाट? वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम। ओह माय गॉड, ओके। डू यू फॉलो क्रिकेट? Of course, I do. Right. So what we are doing right now is, हम जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनसे कुछ सजेशन ले रहे हैं। Okay. ताकि वर्ल्ड कप की स्क्वाड हमारी परफेक्ट हो। मतलब हम सजेशन देंगे। हाँ जी। टीम बनेगी। Right. If your suggestions matches with ours, आपको लंदन जाने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए। Wow. Very nice. आपसे दो तीन चीज जानना चाहता था। आपके हिसाब से गुरप्रीत सिंह संधू को ओपनिंग करनी चाहिए बैटिंग, या फिर उनको थर्ड डाउन उतरना चाहिए? थर्ड डाउन बेहतर रहेगा शायद। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? ऑलराउंडर है ना, तो एकदम पहले उतरेगा तो वो टायर हो जाएगा थोड़ा, अगर उसको पहले बॉलिंग भी करना पड़ेगा ना, तो फिर बाद में उतरेगा तो थोड़ा टायर, अगर पहले बॉल करता है फर्स्ट करिए राइट, तो फिर थोड़ा रेस्ट करने का भी चांस मिल जाएगा। एंड जो अमरिंदर सिंह है, उनको ऑफ साइड से बॉलिंग करनी चाहिए या फिर ऑन साइड से बॉलिंग करनी चाहिए? अमरिंदर सिंह को ऑफ साइड से करनी चाहिए मोस्टली, वही वाला साइड स्ट्रांग होगा उनका। एंड विशाल कायत के बारे में आप क्या जानकारी रखती हैं? विकेट कीपर है ना वो? हाँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग विकेट कीपर है वो। राइट। एंड सुभाषीष बोस हमारे पश्चिमबंग से आए हैं, वो बॉलिंग कर सकता है ना, स्पिन बॉलिंग करता है, तो हम उनको
रख सकते हैं मेन स्पिन बॉलर के तहत। लास्ट दो ऑप्शन और थे मैम, संदेश झिंगन, क्या लगता है कि स्लिप में रहना चाहिए या उनको मिड ऑन में फील्डिंग करवानी चाहिए हमें? नहीं नहीं, स्लिप ही बेहतर है, स्लिप ही बेहतर होगा मुझे लगता है। एंड प्रीतम कोटाल को पहले 15 ओवर में बॉलिंग करवानी चाहिए या फिर प्रीतम कोटाल को हम लोग को डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखना चाहिए? पता नहीं, बीच में करवा देते कहीं पे। मैम फॉलो आपने मतलब ऐसा फॉलो करे ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब फुटबॉल और क्रिकेट आपने मिक्स कर दिया है। हाँ जी, आप हंस क्यों रहे हो? मैम इसमें से एक भी क्रिकेटर का नाम नहीं था, सारे फुटबॉलर थे। आपको इनकी भी जानकारी है, मतलब इनको थर्ड डाउन खेलना चाहिए, इनको स्लिप में रहना। मतलब ये कोई मजाक हो रहा था क्या? मजाक तो आप कर रही थी इतनी देर तक। आप से नहीं बोल रहे हो? मैं तो रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण मुर्गा बना रहे थे हम लोग। जबरदस्ती का ज्ञान ठेलना इसको कहते हैं। टिकट ही नहीं दे रहे हो ना आप बिल्कुल। इसके बाद भी अगर आप टिकट की आशा रख रही हैं तो जिंदा हो तुम। हेलो, जो प्ले ऑफ मैच आएगा वो क्या भाव चल रहा है मार्केट? कौन बोल रहा है भैया? साहिल बोल रहे, छोटा साहिल। टॉस उसका क्या है, ज्यादा रेट उट मिलेगा तो हमको बता भैया, उधर से पैसा निकलवाएं। क्या भाव का बात कर रहे हैं भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या बात कर रहे हैं? अरे तो हम तो भाव का चल रहा है, कितना मांग रहा है भैया? हम क्या मांग रहे हैं, हम इसके बारे में नहीं जानते, आप काहे फोन किए हमें? आप लग रहा है कहीं गलत नंबर, डर रहा है पुलिस का टैपिंग नहीं होगा, चिंता मत करते, खाली भाव बोलना हमको, भाव। आप गलत समझ रहे हैं, आपने गलत नंबर मिला दिया है, आप फोन प्लीज रख दीजिए ना। सलाह एक नंबर का फट्टू निकला बे। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा था, आपके पास क्या कोई छोटा साहिल का फोन कॉल आया था थोड़ी देर पहले, जो आपको बोल रहे थे क्या भाव चल रहा है? हाँ हाँ सर, आया था अभी कुछ देर पहले आया था अभी। तो हो सकता है उनका कॉल दोबारा आपके पास में आए। इस बार जब आपके पास में आए ना, तो आप थोड़ा लंबा उनसे बातचीत कीजिएगा, ताकि हम लोग फाइंड आउट कर पाए कि उनका लोकेशन क्या है। सर हम कहीं फंसेंगे नहीं ना इस सब चक्कर में? अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत कीजिए, पुलिस आपके प्रोटेक्शन के लिए आपको फंसाएंगे नहीं हम। ठीक है सर। हाँ हेलो, कहाँ रे छोटा साहिल बोल रहे हैं, हमारा आवाज नहीं पहचानी थे। अरे पहचान गए साहिल भाई, तो हमको आप बताओ रेट वेट कहाँ चल रहा है, किसका भाव ज्यादा गर्म है? कलकत्ता का भाव बहुत ज्यादा बड़ा है भाई। क्या नो बॉल बॉल फेंकी तो आइडिया है? तीसरे ओवर का चौथा बॉल लो जाएगा, तो पक्का खबर जानी तो तीसरा ओवर का चौथा बॉल नो बॉल तो लगा दे पैसा हम एकदम। किधर से लाई सर खबर? अरे अब मैं बोल रहा हूँ ना। मैं कौन, नाम तो बोल तेरा। अरे भाई उज्जवल भाई बोल रहे हैं, पता नहीं है क्या? उज्जवल जी थाना से बोल रहा हूँ। साला बैटिंग कर रहा है, तुम इन्फॉर्मेशन दे रहा है तीसरा ओवर का चौथा बॉल, इसका एड्रेस निकाल भाई, किधर में एड्रेस? टॉलीगंज के पास है सर। ए उज्जवल कितना दिन से चल रहा है तेरा सब धंधा है? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, मैं तुम किसको बोल रहा था अभी तीसरा ओवर का चौथा बॉल मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है, किसको बोल रहा था तुम? सर इसके पहले मेरे पास फोन आया था, आपने बोला था ना किस बोला? मैंने कब बोला रे, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, आप सट्टा खेल रहे हो? आपके पापा बैंक में कर्मचारी है, मेहनत की कमाई करते हैं। सर मैं नहीं, और तुम सट्टा खेल रहे हो? सर प्लीज माफ कर दीजिए, मैं माफ, इतना बड़ा रैकेट चला रहे हो तुम, छोटा साहिल वोटा साहिल पता नहीं किससे बात कर रहे हो, अपने बाप का इज्जत मिट्टी में मिलाओगे? साहिल को नहीं जानता सर। अभी तो तुम साहिल से बात कर रहे थे इतना हंस हंस करके। सर इसका डिटेल्स और निकला, चौधरी कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके पढ़ाई करता है। पहले तो उसका नौकरी वाले जगह पे नोटिस भिजवाओ, वहाँ से निकलवाओ इसको। ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए ना। सट्टा खेलेगा? मैं नहीं खेलता सर। अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था तुम फोन पे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही लोगों इसको घर से उठा रहे, घर से उठा, चल गाड़ी निकाल, जीप निकाला है। नहीं सर नहीं सर नहीं सर, मम्मी पापा लोग बहुत गुस्सा होंगे फिर अगर सुनेंगे। नहीं नहीं पापा तो तुम्हारा एकदम गुस्सा नहीं होंगे, पापा को बहुत खुशी होगी जब पापा को मालूम चलेगा कि हमने उनके बेटे को एक्चुअली में मुर्गा बना दिया, आपके पापा ने आपके नाम की सुपारी दी थी आपको मुर्गा बनाने के लिए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। हाथ पैर कांप रहे थे, मैं क्या बोलूं, पापा सरकारी बैंक में काम करते हैं लेकिन आदमी बहुत सही है भाई। हेलो, ऐसा है कि एक ही बार बोलेंगे। कौन? अंदर रखिए आप। कौन बोल रहे हैं? बाहर मत निकालिए। किसको बाहर ना निकाले? अंदर रखेंगे तो पूरे शहर की भलाई है। दिमाग खराब हो गया है क्या, रॉन्ग नंबर लगाते हैं कहीं? आपकी बीवी का नाम कविता। हाँ। हम बोल रहे हैं मेट डिपार्टमेंट से। पहचाना भी? शहर का टेम्परेचर 36, आपकी बीवी आती है बालकनी में तो टेम्परेचर हो जाता है 38। सवाल की बात कीजिए। आपकी बीवी के चलते पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है, इतनी हॉट, दिमाग खराब हो गया है। इलाके के लौंडे सनबर्न का शिकार हो गए। कौन पहले ये बताओ, सनबर्न वो नहीं जो गोवा में होता है? किसका नंबर दिया है? कायदे से बोल रहे हैं कि अंदर रखिए भाभी जी को, बाहर मत निकालिए। मैं बता रहा हूँ फिर, मैं मेरे से बुरा नहीं होगा, रख फोन नीचे। हेलो भैया, हम आपका पड़ोसी बोल रहे हैं। भैया हम रास्ता के इस पार में रहते हैं, आप हमको पहचानते नहीं है, नाम कुमार है। हाँ कुमार। भैया आजकल मेहनत हमारा बहुत हो रहा है भैया, पाँव का ना पूरा काफ मसल निकल आया है। क्या मेहनत हो? ऐसा है भैया कि मतलब हम पहले कभी बालकनी वालकनी में नहीं जाते थे, अभी क्या ना दिन में 25 बार जाते हैं, कभी गमछा गीला कर लेते हैं उसको सुखाने, कभी चड्डी, कभी गंजी। अरे तो मुझे क्या लेना? तो भैया आप परेशानी का जड़ है। मैंने क्या किया? भाभी इतनी हॉट है ना कि भाभी को देखने के लिए हम बार बार बालकनी में जाते हैं।
मजाक कर रहा है यार। मजाक वजाक नहीं भैया, बहुत छरहरी भाभी कहाँ से लाए हैं आप? भाभी की कोई बहन है? बैल्कनी में ना अचार उचार सुखाना हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब इज्जत का बात है हमारा। लेकिन अभी आजकल क्या होता है, बाप बोलती है और हम ऐसे डब्बा से अचार जो है वो डाल के बालकनी में ले जाते हैं। क्या बोला आपने? देखिए भैया गाली मत दीजिए, भाभी जी हाउट है बस, हम इतना ही बोले, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोले। मैं वही आकर के बताऊंगा तेरे को। हाँ आइए ना, बता घर के ऑपोजिट में बैल्कनी है, वहाँ पर आके आइए ना, तो हमारा आप दोनों मिलकर के आपकी बीवी को देखेंगे। मैं आऊंगा तेरे घर, मैं तेरी बीवी को देखूंगा। मैं अफसोस भैया मेरे घर में बीवी नहीं है। नहीं, हम तो खाली आप ही का बीवी को देखते हैं भैया, दिल खुश संतुष्ट उसी को कहते हैं। अब भाभी जी जब बालकनी में आती है कपड़ा टांगने के लिए, एक एक कपड़ा उठा उठा के जो तार पे डालती है ना, ओ कौन बोल रहा है? और जो सब्जी दुकान वाला है नीचे, कल भाभी जी कैसे हाथ लगे बेचारा का, पूरा हाथ में फाला हो गया है, सनबर्न हो गया है। माँ नहीं है क्या? उनको जाकर देख, उनको छेड़। अरे भैया बिना मतलब पर्सनल हो रहा है बहुत। पर्सनल नहीं हो रहा है ऐसे गुस्सा करते हैं भाभी के साथ भी आप? तुझे क्या मतलब, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ? खाली एक बात बता दे, हम दो हमारे एक में संतुष्टि कर लीजिएगा, ठीक है? अरे है कौन? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम हमें मालूम है सर, ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हेलो, दिलनवाज जी से बात हो रही है हमारी? जी बताइए जी, हम बिजली विभाग से बात कर रहे थे। बिजली विभाग से जी, हम बताना चाहते थे कि इस महीने आपका बिजली का बिल तकरीबन 6,000 से 7,000 रुपए ज्यादा आएगा। अच्छा, ट्यूबलाइट आपने बहुत चला के रखी है इस महीने? भाई मेरे दो ही ट्यूबलाइट है घर के अंदर, वो भी ना जला के रखूं तो अंधेरे में। अरे भाई साहब टोटल हमारा दिखा रहा है यहाँ पर 18 घंटे आपके टीवी पर ट्यूबलाइट चली है, सलमान खान की पिक्चर है ना ट्यूबलाइट, 6 बार ट्यूबलाइट तो तू लग रहा है जिस तरीके की बातें कर रहा है। मेरी कौन से विभाग से बोल रहा है? बिजली विभाग से। अच्छा एक बात बताइएगा मेरे को दिलनवाज जी, आप मीट कौन सा खाते हैं? झटका मीट ना हो गया क्या? झटका खाऊं या हलाल खाऊं तेरी? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए झटका जब आप खाते तो झटका किससे लगता है? बिजली से लगता है, तो यहाँ पर बिजली का कंजम्पशन हो रहा है इसलिए आपका बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आ रहा है। है कौन तू भाई, कहाँ से बात कर रहा है? आपका लड़का है ना दिलवाज, एक छोटा सा। कौन? अब अगर आपके 7-8 है तो मेरे को क्या मालूम, हमें तो मालूम है आपके 2 ही है। जो छोटा वाला है उसको वो ब्लू कलर के पैकेट के अंदर में व्हाइट गोली आती है ना ठंडी वाली, आपके बच्चे को खाने की आदत है ना, मैं तुझे खिलाऊंगा। महीने के 60 खा जाता है वो, तो 60 बार दिमाग की बत्ती जलती है, तो दिमाग की बत्ती जलेगी तो अब बिजली का बिल तो ज्यादा आएगा ना आपका भाई। तू है कौन, कहाँ से बात कर रहा है? मैंने कहा आपको बिजली विभाग से हो, और किसी भी तरह से हमें जस्टिफाई करना है कि आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। आपने जॉली एलएलबी देखी ना इस महीने? जॉली एलएलबी? हाँ, उसमें वो जो एलएलबी बना था वो कौन था, जॉली नाम था ना उसका, वो डुप्लीकेट है, वो एक्चुअली मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट था। अब सर्किट का बार बार इस्तेमाल होगा तो तार खराब होंगे और बिजली का बिल तो ज्यादा बढ़ेगा ना आपका। मैं बताऊं, जहाँ भी बैठा हुआ है ना, वहाँ पर सबसे पहले भाई साहब आपके लड़के ने आपका नाम बहुत रोशन किया, मैंने सुना है। रोशन किया है, अभी पहले अपना तो नाम लिखना सीख ले, रोशन तो मेरा तब करेगा। और इतना रोशन करा, रोशन कैसे होगा, उसके लिए भी चमक के लिए बिजली चाहिए होगी, तो वो बिजली का इस्तेमाल हुआ है, समझ रहे हैं? उसी सारी बिजली को एक तार में डालते हुए ना सीधा तेरी देखिए वहाँ से डीसी करंट आएगा, बता रहा हूँ जहाँ पे आप डाल रहे भाई बहुत बड़ी भाई माँ बता, आप ये पूरा सुनकर आपके चेहरे पर जो चमक है ना, वो चमक से पूरा रोशनी फैल रही है, रोशनी के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। भाई तो मेरी क्यों दे रहा हो इस रोशनी को, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर वो सॉकेट दिखाई दे रहा है, अब तो प्लग दिलनवाज। दिलनवाज भाई नमस्कार, मेरा नाम आरजी प्रवीण है और मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ आपका। आपकी जो हंसी थी ना उसी से पकड़ लिए थे हम कि वो आप ही थे। पकड़ लिए तो आप छोड़ भी दीजिए, इतना पकड़ के क्या रखना। चलिए आप भी क्या याद करेंगे। हेलो, वो आप जो हमारे इधर जिम में आए थे ना, मेंबरशिप आपने ली थी 21,000 रुपए दिए थे आपने? जी 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 जी। आप आए क्यों नहीं, मतलब उसके बाद? मुझे अभी नहीं बनाना है बॉडी वॉडी, क्यों नहीं ज्वाइन करना है? आप तो बड़े उत्सुकता के साथ में आए थे कि आपको बॉडी बनानी है नॉल। नहीं आया तो था लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, शादी वादी होने वाली है मेरी एक्चुअली। तो क्या आपकी बीवी को बॉडी बिल्डर्स पसंद नहीं है क्या? मतलब मैंने सुनने में आया, पता नहीं रूमर होगा या क्या है, जिम में ज्यादा करते हैं बॉडी वॉडी बनाते हैं ना, तो शादी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करता हूँ फिर मैं जिम में। अरे देखिए हम आपको बताएं, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, शादी के बाद आपकी जिंदगी में सुखी सुख रहेगा। मैं समझा नहीं, मतलब क्या? भाभी जी अगर आपसे खुश नहीं है तो हमारे जिम में बहुत सारे लड़के हैं।
क्या बोल क्या रहे हो बे? जिम आइए, बॉडी वॉडी बनाएंगे और अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे लड़के हैं, संभाल लेंगे सिचुएशन। बोल क्या रहे हो तुम? पते की बात बता रहे कि देखिए अगर आपसे ना हो पाया तो दूसरे तो है ही जिंदगी में, अपना भला ना कर पाओ तो दूसरों का भला करना चाहिए कि नहीं? मार दूंगा मैं तुम्हारी। हाय बड़े, मेरी बीवी के साथ करोगे मतलब? मैं क्या? अरे नहीं नहीं, हम नहीं, हमारे इधर लड़के तैयार किए हमने उसके लिए, खून पसीना एक करके मेहनत करी उन्होंने, बॉडी बनाई है इतनी, खून पसीना सब। अच्छा एक काम कीजिए, आपका घर में 100 square feet का जगह होगा? हा? अरे मुझे आपसे 21,000 रुपए लिए, हम लोग उसूल वाले हैं, हम आपकी बॉडी बनवा के छोड़ेंगे, आपके घर में एक ट्रेडमिल, बेंच प्रेस और डंबल्स वगैरह भेज दे रहे हैं, और हमारा आदमी हर दिन सुबह सुबह चला जाएगा, रमेश और सुरेश यहाँ के दो परफेक्ट ट्रेनर, उनको देख करके भाभी जी भी फिदा, तो भाभी जी का भी काम हो गया और आपका बॉडी का बॉडी हो जाएगा। भाभी जी कोई जरूरत नहीं। तुम लोग इधर क्या कर रहा है? जल्दी से सामान पैक करो। अरे मुझे नहीं चाहिए यार, कोई हमें रोक भी नहीं सकता क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। सुनो मैं भी मेरा काम करने दो, मैं अपना बॉडी बनाएंगे तो हम भी आपको काम देंगे। काम दोगे? क्या काम दोगे? हमारे पास बहुत काम पड़ा है सर। अरे करते करते थक जाएंगे। देखिए हमारे पास में क्लाइंट भी रेडी है। हाँ सर आइए। कम ऑन, अबे रख फोन। आई विल गिव वर्क। लो मार्केट में जॉब नहीं है, आपको काम दे रहे हैं। मार दे ठीक है, रखो फोन। हमने तो सिखाया इसको। अरे मैं भी आ रहा हूँ रे। दो क्लाइंट रेडी हो गए आपकी आवाज सुन करके। हम लोग दोनों जुड़वा हैं। अबे वो जुड़वा वड़वा भैंक दूंगा सब कुछ मैं, तुम्हारे डंबल दोनों एकदम फुड़वा देंगे। नमस्कार, मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अबे यार भाई तो पीना मतलब। नहीं लेकिन बॉडी वॉडी बनवा लीजिए, भाभी जी के काम आएगा। अरे नहीं भाई, वो भाभी जी के काम का ही तो नहीं बचूंगा फिर मैं, बॉडी बना ली। सुना है मैंने कि शादी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। হ্যালো বুবাই, কে বলছেন? তুমি আমার দোকান থেকে বাজি কিনেছিলে? হ্যাঁ কিনেছিলাম। সেই দোকান থেকেই বলছি, পটকাগুলো সব ভালো করে ফাটিয়েছো? হ্যাঁ ভালো করে ফাটিয়েছি তো। এবার তোমায় ফাটাবো। কারণটা কি? তোমায় ফাটাবো দাঁড়া বলছি। না শোনো, তুমি সাম্বাজি ফাটিয়েছিলে? হ্যাঁ ফাটিয়েছিলাম তো। সাপ বেরিয়েছিল? হ্যাঁ। তো কি হয়েছে? হরহরিয়া সাপ তো, অপশন বি কোবরা, অপশন সি নাগ, এন্ড অপশন ডি অ্যানাকোন্ডা। কোন সা সাপ নিকলা থা? আরে তুই পাগল আছিস নাকি? সাম্বাজি পড়ালে কি অ্যানাকোন্ডা বের হয়? কোন সাপ বেরিয়েছিল? কালো কালো সাপ। জ্বলে গেল? হ্যাঁ জ্বলে পুড়ে গেল। এ মা, তো জেল হবে এবার। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আন্ডার 18/17/42 জেল নেহরু রোড। তুমি জানো কি হয়েছে? তুই পাগল আছিস? কতজন চোখ? আমি পাগল? বড় বড় বোন ফাটাচ্ছে, তাদের কিছু হচ্ছে না। আমি সাপবাজি ফেটে যাই, আমার জেল হয়ে যাবে। একটা সাপ মরে গেছে। আমি একটা না 10টার বেশি সাপ জানিছি। এনার রিপোর্টটা লিখে নিন দাদা, এনার তো জেল হওয়া উচিত দাদা। হ্যাঁ এনার নাম কি হবে? বুবাই। এসে গেল? হ্যাঁ এসে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেস যাচ্ছে। হ্যাঁ একে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যেতে হবে, আর লুঙ্গি তোর সাপ ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক আছে ছেড়ে দেবো। তাদের কাছে জামা কাপড় নেই? আরে বোকা, খোলা মানে কি? একদম হয় না, জামা কাপড় পরে বুক ফুলিয়ে রাস্তায় ঘুরছে। জেলে দেখ তোর কি হয়। দেখি তোর কি কত দাম আছে, যা করা কি করে নে। তোমার নাম কি? বুবাই। হ্যাঁ বলছি। সাপবাজি ফাটিছিলে? হ্যাঁ। তুই কে আছিস? ওয়াইল্ড লাইফ ডিপার্টমেন্ট, ওয়াইল্ড লাইফ বোঝো? হ্যাঁ। তো কি হয়েছে? সাপ মরে গেছে। সাপেরও জীবন থাকে, সাপেরও প্রাণ থাকে, সেই সাপের প্রতিজ্ঞা নিতে আমাদের সঙ্গে একজন আছেন এই মুহূর্তে আমাদের টেলিফোন লাইনে। আপকে মেত্র সে বাত কিছে তোনে মেরে পেটে। হ্যালো, তুমি যে সাপকে জ্বালিয়েছিলে তো সেই সাপের ফ্যামিলি কথা বলছে ফোনে। বুবাই, সাপ কা বাপ বোল রহে? সাপ কা বাপ? পের চু আকে পের চু তেরে পিছওয়ারে মে আধা কা ছোড় দেঙ্গে। এসপার দসেঙ্গে কি দিন ভর মলম লাগাতে রহোগে? তেল লাগা কে বিন বালা কুছ নি হোগা। হ্যাঁ তোমারা কাট লেঙ্গে। নমস্কার, আরজে প্রবীণ বল রহে, রেড এফএম 93.5 সে, আর হাম লোগ মুর্গা বানা রহে। সরি স্যার, সরি দাদা। আপ গলত কিয়া দাদা, এক নেই 10-10 সাপ জ্বালা দিয়া। হ্যালো, আপনি কি বিপ্লব বলছেন? হ্যাঁ বলছি। বিপ্লব, আমরা একটা এনজিও থেকে কল করছিলাম, আমরা কিছু একটা কাপড় আপনার কাছ থেকে ডোনেশন হিসেবে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, তো আপনার বাড়িতে কখন আসবো জামা কাপড় নিতে? মানে আমি বুঝতে পারলাম না। না দাদা, আপনার কাছে একটা ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জ কালারের জ্যাকেট আছে। হ্যাঁ আছে। তো আমরা ওইটা চাইছি। বাট ওটা আমি দেবো না, ওটা আমার গিফট। ওটা না দাদা, ওটা আপনাকে দিতে হবে দাদা। না দাদা, আমি দিতে পারবো না। না না দাদা, এটা ডোনেশন হিসেবে দাদা আপনাকে দিতে হবে দাদা। আপনার জন্য আমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট মানে আমি ফ্লোরেসেন্ট কালারের জ্যাকেট পরে কার
অনেক অসুবিধা হয়েছে একটা ছেলের, দৃষ্টিবিহীন হয়ে গেছে। এই বল কথা বল। দাদা আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। শোন, যদি তোর কেউ বন্ধু বান্ধব হোস না, এমন কেলাবো না, তুমি ক্যালেন্ডার বানিয়ে। দাদা আমার কিছু দেখতে পাচ্ছি না, চারিদিকে শুধু কমলা রং দেখছি দাদা। দাদা আপনি ভুল বুঝছেন। আচ্ছা শুনুন, আচ্ছা দাদা আপনি, দাদা এক মিনিট, আপনি ইয়ারকি মারিছিলেন, আমি তোর ভয় চিনতে পেরেছি, তুই বাড়িতে থাক, আমি আসছি, দেখ তো কিভাবে খেলাই আমি। আমি সেই বলছি না যেটা আপনি ভাবছেন, আমরা আসলে একটা পূজো কমিটির থেকে বলছিলাম। ওকে, আমরা চাইছি যে এই বছর আপনি আমাদের পূজোয় আসুন। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা চাই যে চন্দননগর থেকে লাইটিং আমরা আনাবো না, আমরা চাই আপনি দাঁড়াবেন, আপনার মুখে প্রত্যেক দিন এক একটা করে মুখোশ দেব, একদিন বাতাখের মুখোশ, একদিন ডাইনোসরের মুখোশ, আপনি সেই মুখোশটা পরে আপনি শুধু নিচে ওপর নিচে ওপর নিচে ওপর করবেন। ওই তুই আমাকে নিয়ে ইয়ারকি মারছিস তো, আমি জানি তুই পাড়ার বাবলু বলছিস, তুই ওখানে থাক, লাইটিং চকমকে পুরো এলাকায় ভর্তি হয়ে যাবে, ওপর নিচে করবে, আলোকিত হয়ে উঠবে আমাদের এলাকা, ওই ফ্লোরেসেন্ট জ্যাকেট পরে আপনি ঝিগিমিগি ঝিগিমিগি ঝিগিমি। হ্যালো জি, নমস্কার, মই আমি তাপ বচ্চন বল রহা থা, আপকো মুবারকবাদ দেনে কে লিয়ে কল কিয়া থা। মুবারকবাদ কিস বার কা সার জি? জি, মাইনে ইয়ারানা মে এক কাপড়ে পাইনি থে পুরে ঝিকিমিকি, উসকে বাদ মে হামনে সুনা কি এক আপি হ্যায় জো ফ্লোরোসেন্ট অরেঞ্জ ঝিকিমিকি পাইন কে নিকল রহা আজকাল। হ্যায় এই আবার তুই ফোন করেছিস সালা, কেন ভাই করছিস ভাই? আমি কাজের মধ্যে আছি, থান না ভাই, কি করছিস ভাই, এক কল কেন করছিস ভাই? এটা আমার গার্লফ্রেন্ড দিয়েছে, আমরা ওই পূজো কমিটি থেকে বলছিলাম। কোন পূজো কমিটি? আপনার পাড়ার পূজো কমিটি। হ্যাঁ বলুন। আপনার বাড়িতে আপনারা কজন আছেন? টোটাল 8 জন আছি। 8 জন না? আপনি চাঁদা দিয়েছিলেন 500 টাকা তো? হ্যাঁ দাদা, এবার বলি ওই 500 টাকা থেকে ভ্যাট সার্ভিস চার্জ এইসব ডিডাক্ট করে দাঁড়ালো 250 টাকা। আপনি দাদা 4 জনের ভোগ পাবেন, 8 জনের পাবেন না। কেন পাবো না? ওটা তো ভ্যাট ট্যাক্স, তো চাঁদাতে কখনো থাকে না ভ্যাট ট্যাক্স এইসব। না না, আপনি তো জিএসটি দেননি, ঠিক আছে, তো আপনার সব মাইনাস করে 150 টাকায় আসছে টোটাল টাকাটা। ভোগের মতন একটা জিনিস আছি বাড়িতে, 8 জন, আপনি এখন বলছেন 4 জন। হ্যাঁ আপনি বরঞ্চ রাখুন ফোনটা, আমার ভোগ লাগবে না। দাদা আপ তো দিল পে লে লিয়ে, দাদা দিল পে লেনে কা বাতি তো আপ না, কিন্তু এটা তো টেকনিক্যাল বিষয় একটা দাদা, এটা তো সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আপনার ভোগ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি নিয়ম কি বললেন? বললাম সরকারি নিয়ম। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা, কে আপনি? অঙ্কর একটা টিচার রাখুন, কেন জিএসটি এসটি সামলাতে পারছেন না, আপনার খুব দরকার। আমার চাই না আবার, কেন বেকার ফোন করে জ্বালাতো? আপনার অঙ্কর টিচার দরকার দাদা, যাতে আপনি হিসেবগুলো একদম মেইনটেইন করে রাখতে পারেন। দরকার নেই আমার আর, বেকার সালা পূজার সময় ফোন করে জ্বালানো কোনো মানেই হয় না মতো কাজকর্ম। লোকেরা বলেছে না বাড়িতে 8 জন আছে কিন্তু 4 জনের ভোগ পাবেন, আমি দাদা রান্না করছি দাদা, আপনি যদি রেগে মেগে 4 জনের ভোগটাও নিতে চান না তাহলে বলে দিন দাদা, আমি রান্না করবো না, ঠিক আছে, আমার পরিবারের সঙ্গে বাইরে বেরোনোর কথা আছে। ফোন করতে কেন? আরে না দাদা আপনি বলুন, এক্ষুনি বলুন আমাকে, কারণ আমাকে আমি বেশি খাটতে চাই না দাদা, এই পুজো সময় তো আপনি জানেন তো। শুনুন, আমি সাইডে প্লেট করে আপনাকে বের করে দিয়ে দেবো, 50 টাকা করে নেবো, ঠিক আছে, পার প্লেট 400 টাকা দিতে চান না আপনি? বলছি না লাগবে না ভোগ আমার, রাখ সারা ফোন। তা কিন্তু লেগে তো গেছে দাদা, লেগে তো গেছে, এইটুকুনি ঠিক আছে, আপনার লেগেছে অনেক। হ্যাঁ খুব লেগেছে, অনেক গায়ে অনেক লেগেছে দাদা, আমি বলছি সত্যি কথা। হ্যাঁ বিশাল লেগেছে। হ্যাঁ বিশাল লেগেছে না দাদা, আমি বলছি প্রবীণ বলছি রেডিও থেকে দাদা। দাদা শুনছেন তো? শুনুন শুনুন দাদা, শুনুন শুনুন, আরে দাদা এত কথা বলছেন না, কি বলবো, আমি প্রবীণ বলছি রেডিও থেকে, মুর্গা করছিলাম। ভাই আজকাল কুশাল জি কে কলার্স উনকি হাইট সে ভি জ্যাদা উঁচে হো রাখে হ্যায়, क्योंकि इनकी शादी होने वाली है और शादी जिस घराने में हो रही है ना उसके बारे में सोच सोच के भाई साहब ख्यालों में जमाई राजा बने हुए हैं। तो इनकी वाइफ ने ही बोला है, मतलब होने वाली वाइफ ने, इनका बैंड बजा दो, जरा बजाओ।
हेलो। हाँ जी नमस्कार, ये कुशाल जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कौन? नमस्कार बच्चे, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ, यामिनी का ताऊ होता हूँ मैं। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये मैं सिंगापुर गया हुआ था जब आपकी ये बातचीत चल रही थी शादी की। देखो हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियों की ब्याही हुई है, सबके फाइनल कॉल जो है मैंने लिया है, क्योंकि देखो लड़की का मामला है, हम भी चाहेंगे कि शादी सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज इन सवालों का सच सच जवाब देना। हाँ जी बिल्कुल, समझ रहे हो ना बात को? हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है, यामिनी से पहले कोई दामिनी गज गामिनी कोई? नहीं नहीं नहीं, ताऊ जी बिल्कुल भी नहीं, नहीं। यामिनी से बहुत प्यार करता था जी, उसके सिवा आज तक किसी से ना बात करी आज तक। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास। हेलो, हाँ वो कुछ ऐसे ही गाने चल रहे थे। अच्छा फिर मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि भाई देखो हम जो है शादी में आपको दोनों को हमने 20-20 लाख की जो है हमने एफडी दे रही है। नहीं 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 ताऊ जी, 40 लाख। 40 लाख नहीं कह रहा, दोनों को मिला के 20 लाख की एफडी, सिर्फ 20, टोटल 20। अगर आप ओपन माइंडेड हो तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मुझे आपसे चाहिए नहीं कुछ, मुझे यहाँ खुदा के पास जाना। हाँ गाना चल गया ना, आपने जवाब दिया, गाना चल गया। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को। अच्छा बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ मेरे सिवा और कुछ नहीं किया है कभी जिंदगी में, मैंने कुछ मांगना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, शराब शुरू पीते हो, सिगरेट धूम्रपान? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मेरे को कोई नशे की कोई लत नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा। बेटे मैं आपको बताऊँ, डीजे वाले बाबा है हमारे, इन्होंने कम से कम नहीं तो पिछले 20-25 सालों से मौन व्रत धारण कर रखा है, और ये गाने बजा के बताते हैं आदमी सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। नहीं नहीं ताऊ जी, मेरा मन बिल्कुल सच्चा है।